बेसिक मेंटेनेंस शेड्यूल सर्विस फ्री सर्विस का है ये, ठीक है। आपको जो पांच फ्री सर्विस मिलती है, अब देखो, फर्स्ट सर्विस फर्स्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होगा, बिल्कुल सेफ होगे। और गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी डिले हो चुकी है, तो उसके लिए सॉरी यार, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब क्या होगा, हर दो या तीन दिन में ना आपको रेगुलर वीडियो मिल जाया करेंगी। और आज का टॉपिक भाई साहब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक चीज़ में कंपैरिजन करेंगे अपाचे 164V और हमारी पल्सर N160 को। और ये जो फैक्टर होगा ना, एक रीज़न होगा, आप इसके साइड जा सकते हो, आपको ये परचेज़ करनी चाहिए, काफ़ी बड़ा रीज़न है। और इसके बारे में भाई कोई भी लिटरली बात नहीं करता, जबकि मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूट्यूबर जो भी होते हैं उनको ये चीज़ बतानी चाहिए। क्योंकि भाई आप बाइक तो ले लोगे, हो सकता है भाई दोनों सेम प्राइस की बाइक हो, लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस का क्या, सर्विस किसकी महंगी पड़ेगी, किस में कितनी सर्विस करानी है, ये मोस्टली मुझे तो नहीं लगता जल्दी कोई बताता है। और कंपैरिजन में भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ये रीज़न है ना, काफ़ी लोग के लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर सकता है, क्योंकि भाई बाइक आप लोन पे ले सकते हो, वो काफ़ी आसान है, लोन पे ले लिया, कहीं से भी ले लिया, लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस चार्जेस का क्या। सबसे पहले बता दूँ, अपाचे 164V में आपको 5 फ्री सर्विसेज मिलती हैं। सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा ना, आप लोग सोचोगे कितना मतलब सही काम कर रही कंपनी, कितनी अच्छी है। और पल्सर N160 में आपको केवल 3 फ्री सर्विस मिलती हैं। और पहली चीज़ देखो, मैं किसी भी कंपनी को डिफेम नहीं करना चाहता, किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता और किसी की तारीफ नहीं करना चाहता, पूरे फैक्ट के साथ बात करूँगा, बाकी डिसीजन आप लोग का है। बाइक बुरी नहीं है, देखो अपाचे भी बुरी नहीं है, पल्सर भी बुरी नहीं है, दोनों ही बाइकें अच्छी हैं। बट कुछ चीज़ें अपाचे की मुझे थोड़ी सी खटकी, मतलब ये सर्विस वाला, वो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो अब पास से दिखाता हूँ, इसका पेपर है मेरे पास, पूरा सर्विस का शेड्यूल है कि कब आपको कितने पे सर्विस करानी चाहिए। और पल्सर का हम लोग निकाल लेते हैं। और भाई ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। और सबसे पहले भाई एक चीज़ और, पूरा वीडियो देखना, अगर आप लोग नहीं देखोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, आप ही ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दोगे जो हर कोई नहीं बताता। भाई सबसे पहले पेपर निकालते हैं, और थोड़े से बाल उल ख़राब हो रखे मेरे, काफ़ी देर से हेलमेट लगा के बाइक चला रहा था। ये अपना बजाज का है पेपर, इसको निकाल लेते हैं। और TVS वाले का तो भाई मैंने अच्छे से मतलब प्रिंट आउट निकाला है अच्छे से समझाने के लिए आपको। अब कैमरे को पास बुलाता हूँ और मेन चीज़ पे फोकस करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप लोग देख लो, ये हमारी अपाचे का है, पीरियोडिक मेंटेनेंस शेड्यूल सर्विस फ्री सर्विस का है ये, ठीक है। आपको जो 5 फ्री सर्विस मिलती है, अब देखो, फर्स्ट सर्विस फर्स्ट मंथ में या 500 से लेके 750 पे कराना है, अच्छी बात है, नॉर्मली सबका इतने पे ही होता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, आप इसकी सेकंड सर्विस ये देखो, ये आपको कितनी भी करानी, मात्र 2500 या 3000 किलोमीटर के बीच। और अगर आपका देखो किलोमीटर नहीं भी हुआ ना, तो आपको ये मंथ पे करानी ही पड़ेगी। अब आते हैं थर्ड सर्विस पे, ये भी देखो, आपको 3 महीने के गैप पे करानी है 5500 या 6000। वैसे ये फोर्थ, ये 9 मंथ पे, और या तो 8500 या 9000। अब ये रहा हमारा देखो ट्वेल्थ वाला, 11500 या 12000 पे, ठीक है। अब आपकी 12 महीने में 5 फ्री सर्विस ख़त्म, ठीक, ये तो अच्छी बात है, चलो इतने में ख़त्म हो गई। अब मेन चीज़ देखो, इस पे ले लो आप 1000 रुपये, इस पे ले लो 1000। देखो मेरा मानना है हर सर्विस पे आपको इंजन ऑयल चेंज कराना चाहिए, मान के चलो अभी एक नॉर्मली आइडिया ले लो, तो आपने 5 बार सर्विस कराई, आपको 5 बार 1000 का एस्टिमेट बैठा, तो सर्विस कॉस्ट कितनी आ गई, फ्री सर्विस थी, सर्विस कॉस्ट आ गई आपकी 5000 आ गई, ये हो गया आपका 5000, ठीक है। अब बात करते हैं पल्सर की, देखो ये 3 फ्री सर्विस देगा, ठीक, 300 पहली, सेम वही 500 से और 45 दिन जो इसमें भी है वो तो सेम है, चलो अच्छी बात है। सेकंड 4500 से 5000 के बीच में, या 240 दिन, मेन देखो भाई 240 दिन। अब इसमें खासियत क्या है ना, बहुत से लोग होता है बाइक नहीं चलाते हैं, तो उनके पास अच्छा खासा टाइम मिल गया सर्विस कराने का, ठीक है। थर्ड सर्विस देख लो, 365 दिन, ये कितना था पाचे, इसकी 365 दिन में 5 सर्विस ख़त्म हो गई, ठीक है, ये नोटिस कर लिया अपने 5000। इसमें भी हर सर्विस का 1000 कॉस्ट मान लो, तो कितना आया, 3000, ठीक, ये आया आपका 3000। कौन सा सस्ता पड़ा, आप लोग खुद दिमाग लगाओ कौन सा सस्ता पड़ा, ये ठीक, ये फ्री सर्विस की बात है।
अब फ्री सर्विस में आपको समझ में अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि भाई हर सर्विस पे इंजन ऑयल चेंज कराने की नहीं जरूरत है, जैसे पल्सर भी कहता है कि सेकंड सर्विस पे आपका मन ना हो तो आप इंजन ऑयल चेंज ना करो, ठीक। चलो अपाचे को भी बेनिफिट देना जरूरी है भाई, फर्स्ट में आपने इंजन ऑयल चेंज कराया, सेकंड में नहीं कराया, थर्ड में कराया, ठीक। तो मान लो दो में कराया और इधर फिर चौथा छोड़ के पांचवा में कराया, फिर भी तीन बार तो इंजन ऑयल चेंज कराया, तो उस तीन का मैं मान लेता हूँ प्राइस 3,000, लेकिन यहाँ पे तो दो ही बार चेंज कराना है ना, केवल पहले में और इसमें, तो यहाँ पे भी आपको ये सस्ती पड़ेगी। जब आप इसे लॉन्ग टर्म में बाइक को रखोगे तो ये सस्ती पड़ेगी। अब ये क्या था, ये था पेड फ्री सर्विस का, ठीक। और अब बात करते हैं पेड सर्विस की। सो भाई एक चीज़ क्लियर हो गई ना, कंपनियाँ कैसे गेम खेलती हैं फ्री सर्विस के टाइम। अपाचे दे कौन सी रही है, 5 फ्री सर्विस, सुनने में अच्छा लगा लेकिन रियलिटी क्या है, महंगी पड़ रही है। और भाई एक चीज़ और, महंगा सस्ता सब छोड़ दो, आपको साल में 5 बार सर्विस सेंटर जाना होगा, हर तीसरे महीने पे, ठीक। और अगर आप स्किप करोगे तो आपको वारंटी में कंपनी कहीं ना कहीं से लटका देगी, जब वारंटी में कुछ क्लेम करना होगा वो देगी नहीं वारंटी, तो लॉस किसका है, आपका। तो मजबूरी में आपको सर्विस सेंटर पे हर 3 महीने पे जाना ही पड़ेगा। और वहीं पल्सर में क्या है, केवल 3 बार आपको साल भर में जाना पड़ेगा, और सस्ता भी पड़ा और आपका टाइम भी बचा। और होता है क्या ना कि भाई आप अभी सर्विस करा के आए, 3 महीने बाद फिर टेंशन में आ गया कि भाई अब फिर से सर्विस कराने जाना है। और ऐसा नहीं है भाई अपाचे, आप लोग मतलब कुछ लोग कहोगे कि जल्दी जल्दी सर्विस करानी चाहिए तो ज़्यादा बाइक अच्छी रहेगी, तो भाई अगर ऐसा होता तो TVS रेडर उसमें सेम पल्सर वाला सीन चलता है, साल में केवल 3 सर्विस करानी होंगी। तो भाई कैसे ऐसा, मतलब मेरा कहना है कि भाई जो भी हो आप एटलीस्ट कस्टमर को इतना दौड़ाओ तो मत, 3 सर्विस सही रहती है मुझे तो जहाँ तक लगता है, जैसे पल्सर की टेंशन फ्री रहोगे। वरना बहुत से लोग क्या होते हैं भाई, जैसे बाहर चले गए या जिनके पास 2 बाइक हैं वो बाइक चला ही नहीं पाते, तो उनको क्या कंपनियाँ बॉन्ड कर देती हैं कि आपको मंथ में करानी ही होगी, तो उनका तो लॉस हो गया। अब मेरे पास पल्सर है भाई, मेरी बाइक नहीं भी चली तो भी मैं टेंशन फ्री हूँ कि चलो 245 दिन में मुझे सेकेंड सर्विस करानी है, तो ओवरऑल मुझे एक मेंटली सेटिस्फेक्शन भी मिल गया और सर्विस कॉस्ट वगैरह भी मुझे सस्ती पड़ गई। अब आते हैं पेड सर्विस पे, वो भी अपाचे की आपको मैं दिखाता हूँ कि कितनी मतलब बुरी चीज़ है। सो अब भाई आते हैं पेड सर्विस पे। फ्री सर्विस तक तो चलो सब चीज़ अच्छी थी, काफ़ी सही था। अब देखो पेड सर्विस में भी वही रूटीन इनकी चली आ रही, हर 3 महीने के गैप पे आपको सर्विस करानी होगी, तो अगले 1 साल में आपको फिर से 5 सर्विस करानी होंगी, आपको 15, 18, 21, 24, 27 और 30 पे। और किलोमीटर देखो, मतलब 30,000 किलोमीटर तक चलाने में आपको 10 सर्विस करानी होगी, और अब यहाँ से आपका लेबर चार्ज भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इस पे भी अगर सोचो आप मोटा मोटा 1,000 के, अब ये आपका जो सर्विस कॉस्ट आने लगेगी ना, अब ये सब पे 15,000 आने लगेगी, और 1500 आने लगेगी। अब 1500 के हिसाब से आप इसे कैलकुलेट कर लोगे तो मान के चलो मोटा मोटा कुछ भी नहीं, तो केवल नॉर्मल इंजन ऑयल चेंज उन्हीं सब की बात कर रहा हूँ, एक रफली आइडिया दे रहा हूँ मैं, 1500 हो सकता है कम भी है और हो सकता है ज़्यादा भी है। तो 1500 के हिसाब से भी आप इसको लेके चलोगे ना, तो ये मान के चलो ये आपका पड़ जाएगा, जो इसकी पूरी कॉस्ट आएगी 9,000। ये देखो बिना बात के आपके चले गए 9,000। और सेम वहीं पे अगर आप देखो, अब पल्सर में यार इसके आगे तो नहीं लिखा है लेकिन पेड सर्विस में भी इनका यही रूल कंटिन्यू होता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ना, जब ये आप 365 डेज पे इसकी सर्विस करा लोगे तो अगली सर्विस फिर वो 5 महीने पे होगी, मतलब अगले साल आपको इसमें मान के चलो केवल 2 ही सर्विस करानी होगी पल्सर में, अधिक से अधिक चलो मैं 3 भी मान लेता हूँ। तो इस पे भी 1500 का ही मैं सर्विस कॉस्ट जोड़ रहा हूँ, 1500 का भी अगर इस पे आप सर्विस कॉस्ट जोड़ोगे तो ये केवल आपका बैठेगा मोटा मोटा 4500। आपके कितने रुपए सेव हो गए, मान के चलो 4500 रुपए आपको सेव हो गए, तो 4500 भाई बहुत बड़ा है। और ऐसे ही तीसरे साल में फिर आपके 4500। तो अब इसे जब 5 साल बाइक रखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आप पल्सर N160 पे कितने रुपए सेव कर ले रहे हो और अपाचे पे नॉर्मल कितने रुपए ज़्यादा दे रहे हो। तो ये बाइक कोई भी आपको नहीं बताएगा, मोस्टली लोग बस ऊपर ऊपर का बताते हैं, मेन ये है भाई, अगर आप इसमें से कुछ भी मिस करोगे ना सर्विस पीरियड में, देख लेना वारंटी क्लेम करने में अपाचे आपको लटका देगा। सो भाई ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस था ना, काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि सर्विस कॉस्ट किसकी क्या है, कौन सी सर्विस पड़ेगी, क्योंकि लेना बहुत आसान है, उसके बाद बाइक को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें भाई पैसे इसमें आप देख लो कितने ज़्यादा लग रहे हैं।
मेरा मानना है कि भाई अपाचे को भी सेम वही चीज़ करनी चाहिए जैसे पल्सर कर रहा है कि साल में 2 या 3 सर्विस मैक्सिमम, वरना काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है यार, वरना दोनों सेम सीसी की बाइकें हैं और उसके बाद उसमें हर मतलब साल में 5 सर्विस, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो मुझे लगा कि भाई पल्सर N160 ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता भाई, और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी यूट्यूबर उसको ये चीज़ें बतानी चाहिए। तो मैंने सोचा भाई बताता हूँ आप लोग को, और भाई कोई भी आपका अपाचे वाला फ्रेंड हो ना तो जाना, ये पेपर उनके मिलेगा तो पीछे खुद देख लेना या उनसे पूछ लेना, कहीं भी अपाचे पता कर लोगे तो ये चीज़ आपको पता चल पाएगी कि सर्विस साल में 5 करानी है, जो कि मेरे हिसाब से भाई एक तो मेंटली आप परेशान हो जाओगे कि आप सोचोगे अब जाना है और उसके बाद पैसा अलग से लगेगा। तो ये काफ़ी एक बड़ा डिसीजन है, मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है रोल प्ले करने में कि आपको पल्सर N160 लेनी चाहिए कि अगर आपको अपाचे, अगर आपको भाई ये सही लग रहा तो बिल्कुल अपाचे खरीद सकते हो, बाइक बहुत ही अच्छी है, लुक भी अच्छे है, माइलेज स्पीड सब कुछ ठीक है, बट ये चीज़ मुझे बेकार लगी तो मैंने आपके साथ शेयर की क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे। बाकी आप लोग कमेंट में प्लीज़ बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो आप सभी को पता ही है क्या करना है, वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और प्लीज़ भाई किसी को हेट वगैरह करने के लिए नहीं, नॉर्मली बस एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था मैं जो कि बिल्कुल सच है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।